अस्सलाम वालेकुम। आज हम रोटी कबाब बनाएंगे बहुत ही खूबसूरती से। ये देखो, ये मैंने अंदर रबर शीट का इस्तेमाल किया हूँ। अगर आपके पास फॉर्म शीट है तो वो इस्तेमाल करें। अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो कॉटन के दो पीस अंदर रखकर इस तरह से स्टिचिंग कर लें। स्टिचिंग आपके ऊपर डिपेंड है किस तरह से करनी है। तो इस तरह से ये बनाएंगे। मैं इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ आपको। इसकी लंबाई है 13 इंच और इसकी चौड़ाई भी है 13 इंच। इस तरह से हम रेडी करेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। 1 2 इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसे को इस तरह से फोल्ड करेंगे हम। इस तरह से रखने के बाद यहाँ से 6 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखो इधर इस साइड, यहाँ से 6 इंच, यहाँ से 6 इंच और यहाँ से 6 इंच। बाकी ये गोलाई में 6 इंच पे ही निशान लगाकर इस तरह से इसे मिला देंगे। ये देखो बराबर इस तरह से रखकर अब इसकी कटिंग करेंगे हम। ये देखो ये हमने कटिंग करनी है। अब इसका पूरा मेजरमेंट लेंगे इस तरह से। पूरी गोलाई में हम जहाँ पे शुरुआत में ले रहे हैं सबसे पहले एक निशान लगा देंगे ताकि वो हमें समझने में आसानी हो कि हमने शुरुआत कहाँ से किए थे। इस तरह से गोलाई में पूरा मेजरमेंट लेंगे कि पूरी गोलाई कितनी इंच की आती है हमारी। थर्टी सेवन आई है तो हम 38 इंच का एक 5 इंच इसकी चौड़ाई रखकर इसकी गुलाई के लिए बनाएंगे। देखो इस तरह से हम पट्टी तैयार करेंगे। ये देखो इस तरह से इसकी चौड़ाई है 5 इंच। सबसे पहले हम इसे यहाँ से यहाँ पे इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के बाद हम यहाँ पे एक मार्क लगा देंगे इस तरह से। और इसे जब हम ये स्टिचिंग करेंगे यहाँ पे, ये देखो ये जो डिज़ाइन है इसे हम इस तरह से नीचे रखेंगे यहाँ पर और पूरी गोलाई में इसकी स्टिच करेंगे तो ये हम कंप्लीट करते हैं। देखो इस तरह से हमने जॉइन कर दिए। अब ऊपर के लिए इस तरह से हमने 4 पीस बनाए हैं। ये देखो इस तरह से ये हमने रेडी कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। देखो इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 9 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 5 इंच। इस तरह से मैंने ये रेडी की हूँ। अब हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हल्की सी शेप देंगे इस तरह से और इसकी कटिंग कर देंगे हम। इसकी कटिंग करेंगे हम इस तरह से। ये देखो ये हमारी कटिंग हुई। इसी को रखकर ये चारों पीसेस की हम कटिंग करेंगे। ये चारों पीसेस की मैंने कटिंग करनी है। ये 2 इंच का मैंने इस तरह से पीस ली हुई है। देखो 4 पीस मैंने ली हूँ। इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें इस तरह से ये 2 इंच का है। हम यहाँ पे इस साइड पाइपिंग करेंगे इस तरह से। यहाँ पे स्टिच करने के बाद इस तरह से ये 1 2 इस तरह से फोल्ड करके पूरी इस तरह से हम चारों ये रेडी करते हैं। ये देखो इस तरह से पाइपिंग कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। ये देखो ये चारों में हम इस तरह से निशान लगाएंगे। अभी जो ये हमारा पीस है ये बचे हुए पीस की हम कटिंग करेंगे इस तरह से। यहाँ इसको इस तरह से रखेंगे। इसके नोक पे यहाँ पे एक निशान लगा देंगे और एक निशान यहाँ पे लगाएंगे। इसे इस तरह से रखने के बाद
यहाँ पे ये दोनों को इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। इसे इस तरह मिलाने के बाद एक निशान यहाँ पे लगाएंगे। ये जो हमने बनाए हैं इसे इस तरह से रखेंगे, इसे मिलाकर यहाँ पे इसकी स्टिचिंग करेंगे और इसे यहाँ पे रखकर इस तरह से इसे मिलाते हुए चारों की हम स्टिच करेंगे। देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग किए हैं। अब हम इस तरह से पीस लेंगे, इस तरह से ये देखिए, ये दो पीस मैंने ली हूँ, 2 इंच की चौड़ाई है। यहाँ से इस तरह से एक पाइपिंग कर देंगे और एक इस तरह से यहाँ पे भी ये राउंड में पाइपिंग करके हम ये रेडी करते हैं। ये देखो इस तरह से पाइपिंग कर लेंगे हम, इस तरह से देखो काफ़ी फिनिशिंग है इस तरह से। ये देखो इस तरह से ये हमारा बन के रेडी हुआ है। इस तरह से ये हमारा इस तरह से कवर होगा, ये देखिए। इसको हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, एक इस साइड से और एक इसे उल्टा करके भी कर सकते हैं। ये देखो एक इस तरह से भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। शुक्रिया।